नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की याद जब भी किसी को आती है तो अक्सर करके वो हर एक इंसान रोने लग जाता है जो सुशांत सिंह राजपूत को बेहद करीब से जानता था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत रियल में जितना दिखने में मासूम लगते थे वो और भी ज़्यादा मासूम थे। और इसी वजह से आपको बता दें कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की बहन को उनकी याद आई तो वो भी भावुक हो गई, और उन्होंने क्या बातें कही हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की बहन हुई भावुक, लिखा, 8 महीने से तुम्हें देखा नहीं, प्लीज़ वापस आ जाओ। दोस्तों, एमएस धोनी, छिछोरे जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब सिर्फ यादों में ही रह गए। उन्हें गुजरे हुए 8 महीने बीत चुके हैं। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति हर दिन अपने भाई को याद करती है और पोस्ट साझा करती हैं, लेकिन अब उन्होंने बेहद ही भावुक पोस्ट शेयर किया है, और इसे देखने के बाद तो तमाम सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं वो भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करने पर मजबूर हो गए हैं, और उन्हें पता चल पा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति अभी भी सुशांत को भूल नहीं पाई हैं। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत की पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि कहां चले गए बेबी, वापस आ जाओ, 8 महीने बीत चुके हैं, तुम्हारी एक आवाज़ नहीं सुनी है, तुम्हें देखा भी नहीं है, प्लीज़ वापस आ जाओ। आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में पाए गए थे, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से सन्न था, और सुशांत सिंह राजपूत की ही खबरें उन दिनों सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही थी, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी थी और हमारे बीच से कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्टार जा चुका था, और इसी वजह से पूरी तरह से इस केस ने हर किसी के दिल में हड़कंप मचा दिया। बता दें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि राजपूत के साथ हुई घटना के मामले में मुंबई पुलिस की जांच से नाराज उनके पिता KK सिंह ने अभी हाल ही में एक आरोप लगाया था बिहार पुलिस के समक्ष, और उन्होंने रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को उकसाने का आरोप लगाया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक बहुत ही गहरी साजिश रची गई है, और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली ने मिल करके रचा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसी वजह से रिया चक्रवर्ती की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। इसके बाद हमने देखा भी था कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। महीनों तक जेल में बीत जाने के बाद भी रिया और उनका भाई जमानत पर बाहर बेशक से आ गए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती पूरी तरह से आज़ाद हैं, क्योंकि अभी भी इनको NCB दफ्तर जा करके वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवानी पड़ती है और दिखाना पड़ता है कि वो अभी मुंबई में ही हैं, क्योंकि NCB ने इनको सख्त नोटिस जारी करते हुए कहा है कि तुम मुंबई से बाहर नहीं जा सकते और जब तक सुशांत का केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोगों को मुंबई में ही रहना पड़ेगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे सॉल्व होता है, लेकिन श्वेता सिंह कीर्ति ने जिस तरह से ये पोस्ट शेयर की है तो वो रियल में ही काफ़ी इमोशनल थी। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।